अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए आईफोन 14 लेके आई हूँ, अब तो खुश हो जाओ तुम। हाँ हाँ, सेकंड हैंड नहीं, नया ही लेके आई हूँ। मेरा फोन? अबे ओ मुसलमान रुक। हाँ जी मैडम, बोलिए। क्यों बे मुसलमान बुड्ढे, तूने मेरी पॉकेट से आईफोन चुराया ना मेरा? चल निकाल मेरा फोन, तुझे पता है पूरे 85,000 का है। मैडम ये क्या कह रही हो आप, मैंने तो आपका फोन देखा भी नहीं है, मैं क्यों चुराऊंगा आपका फोन? देख बुड्ढे झूठ मत बोल, मेरे पास से अभी तू ही निकला है और तुम मुसलमान होते ही चोर हो, जरूर तूने ही चुराया है मेरा फोन। अब चुपचाप मेरा फोन दे दे, नहीं तो 2 मिनट में तुझे पुलिस से पकड़ा दूंगी। मैडम शायद आपको गलतफहमी हो रही है, मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ मस्जिद, मैं आपका फोन क्यों चुराऊंगा? और मुझ पे तो फोन चलाना भी नहीं आता, फिर मैं आपका फोन चुरा के क्या करूंगा? अच्छा तू ऐसे नहीं देगा मेरा फोन, रुक अभी बताती हूँ तुझे। मैडम आप मुझे क्यों खामखा मारे जा रही हो, मैंने बोला ना मेरे पास नहीं है आपका फोन। देख मुझे अच्छे से पता है मेरा फोन तो तूने ही चुराया है, तुम मुसलमान होते ही ऐसे हो और अब मुझे तेरी तलाशी लेनी पड़ेगी। चल अब अपनी तलाशी दे। मैडम देख लिया ना आपने, मैंने कहा था ना मेरे पास नहीं है आपका फोन। अगर फोन तेरे पास नहीं है तो फिर कहाँ गया मेरा फोन? मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा फोन तूने ही चुराया है और मैं तुझसे अपना फोन निकलवा के रहूंगी। बता कहाँ छुपाया है मेरा फोन? अरे रुकिए मैडम, आप क्यों खामखा इनको मारे जा रही हो? मैं बहुत देर से खड़ा होकर देख रहा हूँ, आप बार बार इन्हें पीटे जा रही हो। मुझे बताओ क्या बात है, इन्होंने कुछ कराया है क्या? देखिए भाई साहब, मैं अपनी गाड़ी के पास खड़े होकर फोन पे बात कर रही थी, तभी ये बुड्ढा मुसलमान मेरे पास से निकला और मेरी पॉकेट से इसने आईफोन 14 चुरा लिया। मैं आज ही नया फोन लेके आई थी अपने बॉयफ्रेंड के लिए और अब मैं इससे पूछ रही हूँ तो ये बता नहीं रहा चोर कहीं का। अरे बाबा अगर आपने इनका फोन चुराया तो इनका फोन वापस दो, शर्म नहीं आती ऐसी गंदी हरकत करते हुए आपको? साहब ये झूठ बोल रही है, मैंने नहीं चुराया इनका फोन और मुझे नहीं पता इनका फोन कहाँ है, मैंने तो देखा भी नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं चुराया इनका फोन, इनका फोन मेरे पास नहीं है, मैं तो मस्जिद जा रहा था नमाज पढ़ने को, मैं क्यों चुराऊंगा इनका फोन? अल्लाह कभी मुझे माफ नहीं करेगा। देखिए मैडम ये मुसलमान है और नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नमाज पढ़ने वाला मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता और वैसे भी ये तो बूढ़े हैं, भला इस उम्र में ये फोन चुरा कर क्या करेंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि इन्होंने आपका फोन चुराया है तो आप इनकी तलाशी ले लो, अगर इन्होंने फोन चुराया होगा तो फोन इन्हीं के पास निकलेगा। तलाशी तो मैंने इसकी ले ली है ही नहीं इसके पास फोन, पता नहीं कहाँ छुपा दिया। तो मैडम जब आपने इनकी तलाशी ले ली है तो फिर आप क्यों खामखा इन पर शक कर रही हो, और इतनी जल्दी तो ये कहीं फोन छिपा भी नहीं सकते, इसलिए प्लीज इन्हें परेशान मत करो, कहीं और जाकर अपना फोन ढूंढो, जाओ। ठीक है तो भाई साहब मैं कहीं और देखती हूँ। बाबा वो मैडम तो गई, अब आप भी मस्जिद जाइए नमाज पढ़ लीजिए। माफ करना भाई साहब मैंने आपसे झूठ बोला, उन मैडम का फोन मैंने ही चुराया है। क्या कहा, तुम्ही ने चुराया उनका फोन? फिर तुमने झूठ क्यों बोला? शर्म नहीं आ रही तुम्हें ऐसी गंदी हरकत करते हुए? चलो अभी उनका फोन निकालो और वापस करके आओ। भाई साहब ये रहा वो फोन, लेकिन ये फोन उनका नहीं है, वो झूठ बोल रहे थे, वो किसी और का चुरा कर लाएंगे। आज पिताजी बहुत खुश होंगे जब मैं उन्हें आईफोन 14 गिफ्ट करूंगा, उन्होंने जिंदगी भर मेरे लिए मेहनत की है, मेरे सारे शौक पूरे किए हैं, इसलिए मैं भी उन्हें उनकी पसंद का फोन देना चाहता हूँ, आईफोन 14। वाओ इसके पास तो न्यू आईफोन 14 है, एक काम करती हूँ इससे छीन के अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट कर देती हूँ, खुश हो जाएगा वो। अरे ये लड़की उस लड़के का फोन छीन के भाग रही है, अभी पकड़ता हूँ इसे। इसलिए मैंने ये फोन चुराया और जिसका है उसको वापस करने जा रहा हूँ। अरे बाबा ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो खुद तो गंदी हरकतें करते हैं और दोष हिंदू मुसलमानों को देते हैं। खैर अब आप जल्दी से जाइए और उनका फोन वापस कर दीजिए। ठीक है भाई साहब मैं अभी वापस करने जाता हूँ। हे भगवान, दिन रात मेहनत करके मैंने अपने पिताजी के लिए आईफोन 14 खरीदा था, मैंने अपनी मेहनत की सारी कमाई उस फोन को खरीदने में लगा दी ताकि मेरे पिताजी खुश हो जाएं, लेकिन वो फोन किसी और ने चुरा लिया, अब मैं क्या करूं? भाई साहब आप उदास मत होइए, भगवान ने आपकी सुन ली है, ये रहा आपका फोन। मेरा फोन? लेकिन बाबा ये आपके पास कैसे आया? भाई साहब आपका फोन एक लड़की ने छीन लिया था, मैं उसी से लेके आया हूँ। अरे बाबा आप तो बहुत ईमानदार हो जो आपने मेरा इतना महंगा फोन वापस किया, मैंने ये फोन बड़ी मुश्किल से खरीदा था, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, आप तो मेरे लिए भगवान के रूप में आए हो। नहीं भाई साहब आप मेरी तुलना भगवान से मत कीजिए, मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ। खैर कोई बात नहीं, अब आप जल्दी से जाइए अपने पिताजी को फोन दीजिए, वो खुश हो जाएंगे। ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जल्दी जाइए आप।